कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वर्ड कहीं सुना है तुमने लाइफ में? तो क्या क्या थॉट आते हैं इनको सुन के, क्या होते हैं ये कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव? तो ये इस टाइप के फोर्सेस होते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने इसके बारे में कुछ देखा था, है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस उस टाइप के फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। और इनकी वजह से वर्क डन मतलब सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट, इसके लिए कंजर्व हो रही है यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट। तो करना क्या है मतलब, इसका होगा क्या इससे? ये नॉलेज हमें मिल गया तो क्या करना है सुरभि इसका? मतलब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल एक भी मैंने बताया था कुछ कि इंटीग्रल के टर्म्स में कुछ बताया था। तो ये कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फिर बताता हूँ। तो ये एफ डॉट डी एस है ना जो, तो ये होता है वर्क। इसको एकदम मैथमेटिकल टर्म्स में सोचो, तो ये डी एस वाला पार्ट पाथ बता रहा है, ये पाथ बताता है, और ये फोर्स क्या बताता है? अब फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या कि अगर इसकी इक्वेशन एफ की इक्वेशन एस के टर्म्स में, मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन हो गई, फोर्स इक्वल्स टू 3s² प्लस कुछ भी हो गई मान लो, ठीक है, एस के टर्म्स में हो गया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर इसकी इक्वेशन पता चल गई तो। इक्वेशन पता चलने का क्या मतलब है? इक्वेशन पता चलने का मतलब है कि उसका पाथ पता चल गया, तो पाथ जब हमें पता चलेगा तभी हम वर्क डन निकाल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव के केस में। लेकिन अगर केवल एंड पॉइंट्स पता है, एफ डॉट डी एस और एस एंड पॉइंट्स s1 s2, तो इसकी अगर ये कंजर्वेटिव है तो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, इससे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो अगर ये एफ कांस्टेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फिर इसको बाहर लेके केवल डिस्प्लेसमेंट के एंड पॉइंट जान के आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी भी मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ पे गौर करना, ठीक है, फिर समझ में आएगा। तो लिखो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, an object is displaced from point A 2, 3, 4 to point B 1, 2, 3 under a constant force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap so find the work done by the force and comment whether force is conservative or not। कमेंट कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं ये बताना है।
तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 1, 2, 3। अच्छा पाथ की इंफॉर्मेशन है क्या कि कैसे गया? नहीं गया, एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, ऐसे गया कि ऐसे गया, ये सब कुछ नहीं दिया उसमें, तो हमारे पास पाथ की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वर्क निकाल के देखते हैं, अगर निकल गया तो कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं निकला तो नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क की डेफिनेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ये वर्क की डेफिनेशन होती है। तो अब यहाँ पे अपन फोर्स रखते हैं, तो फोर्स रखा वहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4 है ना, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख दिया सिंपल, डॉट डी एस वैक्टर। अब डी एस वैक्टर क्या है? तो डी एस वैक्टर इज नथिंग बट छोटा छोटा जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सब डी एस वैक्टर है, वो तो मालूम नहीं हमें। तो देखना 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, इसका हमें डी एस के साथ इंटीग्रेशन लेना है। तो ये क्या एस के टर्म्स में तो है नहीं, क्या है ये? ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो ये बाहर निकल गया 2, 3, 4 i कैप j कैप k कैप इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये डी एस इंटीग्रेट हो जाएगा, तो दैट विल बी एस, सो इट इज 2, 3, 4 डॉट एस वैक्टर। एस वैक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फाइनल और इनिशियल पॉइंट के थ्रू निकाल सकते हैं, 1 - 2 - i कैप, 2 - 3 - j कैप और 3 - 4 - k कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, उठा के रख दिया यहाँ पे -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1। 2 - -1 - 2 - 3 - -1 - 3 - -1 - 4 कितना हो जाएगा? ये 3 - 4 - 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजिशन वैक्टर r1 = 2i + 3j - 2r2 = 4i + 6j. Under a force 3x² + 2y i + 2y j, these many newtons. So find the work done by this force. और वो भी बताना इसमें कि कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो बताओ कंजर्वेटिव है कि नहीं, सबसे पहले तो यही बताओ। कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? हाँ तो देखो ये देखना, ये इक्वेशन ही तो दी हुई है,
थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, ये कुछ x और y में इक्वेशन है। x और y में इक्वेशन मतलब क्या, सर्कल की इक्वेशन होती है x और y में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये भी कोई कर्व ही होगा है ना। हमें पता नहीं कौन सा कर्व होगा, बट कुछ कर्व होगा ये स्पेसिफिक, उसका मतलब वी नो द पाथ। तो अब पाथ पता है हमें तभी निकाल पाएंगे, अगर पाथ नहीं पता होता तो नहीं निकाल पाते। तो ये नॉन कंजर्वेटिव या सिंपल, इतना ही दिमाग में फंस गया ना अगर तुम्हारे कि एक्स वाई आ जाता है तो वेरिएबल आ गए तो भी काम चल जाएगा। तो आदर्श ये बोल रहा था ना कि वेरिएबल है तो नॉन कंजर्वेटिव, इतना भी रख लो दिमाग में तुम, याद तो बहुत परफेक्ट है। तो क्या करें, हम निकालते हैं वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, तो सबसे पहला दिक्कत जो कैलकुलेट करने में ये जाएगी वो जाएगी कि ये दो अलग अलग डायमेंशंस में है। सिंपल वाला एफ इंटू डी, सिंपल वाला एफ इंटू डी ऐसा, ये तब लगता है जब ये कांस्टेंट होता है, कोई बताओ चिल्ला के, ये कांस्टेंट होता है जब, सबको पता है ना, ये नहीं पता कीर्तिका, ये कांस्टेंट होता है तभी ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर यही लिखना पड़ेगा। ये वर्क की ये अल्टीमेट डेफिनेशन है ये। अच्छा क्यों लिख सकते हैं ऐसा, ये कोई एक मिनट में प्रोसेस भी कर सकते हैं अपन, ये एफ अगर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एस क्या होता है, जस्ट एस, तो प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना, तो कहाँ पहुँच गए हम कि यहाँ तो दो डायमेंशंस में दिया हुआ है, एक्स और वाई में, आई कैप और जे कैप। तो क्या करें, इसका जवाब तो हमें बचपन से पता है, अलग अलग डायमेंशन में सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो एक बार एक्स में करेंगे ये, एक बार वाई में करेंगे। तो वर्क इन एक्स, ऐसा कुछ वर्क इन एक्स नहीं होता, बट सिम्बॉलिकली वर्क इन एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और वर्क इन वाई, मतलब वर्क इन वाई नहीं कहना चाहिए, वर्क डन बाय वाई कंपोनेंट, ऐसा। क्या इस बात से ये बात जा रही है दिमाग में, ऐसे दो क्यों लिखे यहाँ, एक ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो है वहाँ पे ना, आई कैप जे कैप दिए हुए, कैलकुलेट कर लो आप फटाफट। तो देखना आप, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान दो यहाँ पर, केवल एक्स वाला लाना है यहाँ पर एफ एक्स, तो क्या लेके आ जाए, थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये कैसे लिख दिया, ठीक है इंटीग्रेशन। अब एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, R1 में ये x है 2, R2 में फाइनल सिचुएशन में ये x है, तो 2 से 4। अभी कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, अभी बस प्रोसेस पे ध्यान दो, कैलकुलेशन तो जब स्पीड बनाओगे तभी बनेगी। और इस v y, डब्लू वाई को कैसे लिखेंगे, y की चीज़ है 2y dy, लिमिट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6। बस अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखना इसको कैलकुलेट करना आता ही होगा, मैं फटाफट करूँ या सिखाऊँ इसको भी, कुछ नहीं इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब और डिवाइड में भी 3 आ जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी इसकी 2 से 4, 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब पे लिमिट लगानी है, तो पहले 4 रख देंगे यहाँ पे, 4 क्यूब माइनस फिर 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब है 64 माइनस 2 क्यूब इज 8, तो ये हो गया 58 या 56। ये भी केवल x वाला आया है, y वाला भी इधर लेके आता है।
तो टोटल वर्क हो जाएगा फाइनल दोनों का सम 56 प्लस 27 83 जूल्स। थ्री एक्स स्क्वायर देखना, एक वो होता है इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अगर हमें एक्स की पावर एन करना है, एक्स की पावर एन डी एक्स, सो दिस इज व्हाट, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये यूज कर लिया हमने वहां पे। ठीक है, ये समझ में आ गया दोनों को जोड़ के क्यों लिखा, मतलब ऐसे क्यों नहीं लिखा 56 आई कैप प्लस 27 जे कैप, इसमें ये तो नहीं आ रहा डाउट किसी के दिमाग, पक्का ये जोड़ क्यों दिया इनको, ये आई और जे कैप में अलग अलग क्यों नहीं लिख दिया, तो कारण बताओ, चलो मेरे को डाउट आ गया, कारण बताओ क्यों नहीं लिख रहे ऐसे। हाँ वर्क है तो वो एक वो वर्ड बोलो जो रीजन है उसका। अलग अलग लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बोलिए अबे इतनी सिंपल चीज़ है, वर्क वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये जो निकाल रहे हैं अपन ये एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो फाइनली जोड़ के लिखेंगे तो वर्क तो स्केलर है, आई कैप जे कैप मत सोचना वहाँ पे। तो कौन सा फोर्स था ये, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना, बचपन से रट के बैठे हैं, तो जो भी चीज़ मूव कर रही है दैट प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, और उस ऑब्जेक्ट की या जो भी मास ट्रैवल कर रहा है स्पीड अगर उसकी वी है मास है में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें याद है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखो, एक बहुत ही ट्रिपिंग पॉइंट बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन आता है काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले तो क्या है इसकी यूनिट जूल है, स्केलर क्वांटिटी, ये सब ना क्लियर एकदम माइंड में रखो ना, ऐसा यूनिट जूल है, स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि कोई भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। अच्छा, एक थॉट दिमाग में आता है कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, जैसे मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव होता है ना, कि अगर हम चल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरे अलग शब्दों में कहें कि अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ को ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, किसी दूसरे रेफरेंशियल फ्रेम से देखेंगे तब भी वही रहेगी क्या, जैसे फोर्स रेफरेंशियल नहीं है, फोर्स अगर तुम यहाँ पे लगाओ या किसी दूसरे फ्रेम से देखो उतना ही लगता है, बट काइनेटिक एनर्जी रेफरेंशियल है कि नहीं है, चलो तो नहीं है, चलो मैं आंसर ही दे देता हूँ, गलत बोलोगे इससे बढ़िया, तो हाँ भाई है। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है इसका, फॉर्मूला देखो,
काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी रिलेटिव होती है ना, किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं उस रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी है। अच्छा, इसको फील भी कर सकते हैं अपन कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हम उसमें बॉल से कैच कैच खेल रहे हैं, एक बॉल है हमारे हाथ में, हम कैच कैच खेल रहे हैं उस बॉल से, तो हमें कुछ ऐसा बहुत धीरे धीरे उछाल रहे हैं, हमें कुछ नहीं लग रही है बॉल, बट इमेजिन करो वो बॉल उछल के बाहर निकल जाए और कोई बाहर बच्चा खड़ा हो, उसको लगे, उसको तो खतरनाक तरीके से लगेगी। तो जैसे ही रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी चेंज हो गया। और एज सिंपल एज इट इज़, सबसे पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, वी पर डिपेंडेंट है तो वी अगर रिलेटिव है तो ये भी रिलेटिव हो गई। ठीक है, एकदम यूजलेस बात है, कोई महत्व नहीं, एग्ज़ाम के लिए कोई काम नहीं आएगा इसका। ठीक है, और क्या हल्की फुल्की चीज़ें याद रख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है अगर रेस्ट पे हो ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? मास नेगेटिव नहीं होता और वी का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, स्पेसिफिकली क्यों ऐसे बता रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है और विभिन्न प्रकार की कुछ कुछ एनर्जीज नेगेटिव हो सकती हैं, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमने देखी थी कभी किसी मोड पर कि वर्क के जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है। ये बात याद है? सिंपल सी बात है, वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और इसकी भी जूल होती है, मतलब दोनों के डायमेंशन सेम है। तो अगर दोनों के डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब कहीं पे अगर ऐसा कुछ लिखा जाए वर्क इज इक्वल टू कहीं काइनेटिक एनर्जी, वो किस फॉर्म में लिखा जाए वो सब देखेंगे अपन, बट डायमेंशनली ऐसा लिखा जा सकता है, वी कैन इक्वेट वर्क विथ एनर्जी। ये बात समझ में आ रही? तो ऐसा होता है, असली में ऐसा होता है, वो एक थ्योरम के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो नाम से ही अपनी पहचान बता रहा है कि वर्क और एनर्जी को रिलेट करने वाला कुछ इक्वेशन है। तो इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है, वर्क तो वर्क होता है, वर्क डन में आप जानते हैं हम वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी भी फोर्सेस की वजह से, और बट एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? तो उसका याद रखना हमें काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या स्टेटमेंट क्या है इसका? वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम मतलब जो भी हमारा सिस्टम स्टडी है, जैसे कोई बॉल जा रही है तो बॉल सिस्टम है, पुली के दो ऊपर नीचे झूल रहे हैं ब्लॉक्स तो वो दोनों ब्लॉक सिस्टम है। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये बात हमको एकदम याद रखनी है, रट लेनी है, यहाँ पे ऐसे टैटू बना के लेके जाओ इसको, ये याद रहनी चाहिए। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? बहुत बढ़िया, तो इसका अभी तक बस ये रट गया, हम एक सिचुएशन समझते हैं कि क्या है, वो क्या रहा ये कि वर्क काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो देखो लेट से ये एक बॉल है और ऐसे हिली रीजन पे से लुढ़क के नीचे जा रही है, तो यहाँ पे जब ये ऐसे नीचे जाएगी, अब फिजिक्स फिजिक्स भूल जाओ सब, तो क्या हुआ? स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी सबसे पहले तो, और चेंज होके ये भी समझ में आया कि बढ़ गई, यहाँ पे मान लो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी उसका रिजल्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, तो
तो ये काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से आई है, कहाँ से आई है? तो हम सोचेंगे बैठ के कि जो भी इस पे वर्क हुआ होगा जिस भी फोर्स की वजह से, उस वर्क की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी आई होगी। ये बात समझ में आ रही? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये बात समझ में आ रही? हर सिचुएशन में एनर्जी कन्जर्वेशन हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जो वर्क डन टोटल होगा सिस्टम में, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना है। ये बात समझ में आ रही? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे एक मास है, वो एच हाइट ऊपर ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है और उसको छोड़ दिया। तो नीचे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होती होगी टकराते टाइम, ये बताना है। तो यूँ तो हम अगर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं जानते तब भी इसका आंसर निकाल सकते थे। क्या था इसका आंसर, मतलब कैसे निकालते इसका प्रोसेस करते? कि कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक मोशन हो रहा है, v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, ये कर देते। तो हमें s भी पता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन भी पता है, आंसर आ जाता काइनेमेटिकली। बट अभी हम इसको नहीं सोचना चाहते, हम कुछ अलग नज़रिए से सोचना चाहते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट हुई तो कहाँ से आई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं इस पर कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन। अब वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, ग्रेविटी वर्क कर रही है। इसका एफबीडी इमेजिन करो, तो एम जी लग रहा है तो एम जी, और कुछ लग ही नहीं रहा है तो यही वर्क करेगा। तो एम जी इंटू एच कितना डिस्प्लेस हुआ, एम जी एच, तो एम जी एच, तो ये एम से एम कट गया, V की वैल्यू आ गई रूट टू जी एच। उससे भी वही आती, लेकिन यहाँ पे हमने एनर्जी के टर्म्स में सोच लिया। अभी तक जितने भी सवाल हमने सिचुएशन देखी थी उनमें ये देखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है आसमान से या कहीं से भी, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन असली में तो एयर रेजिस्टेंस होता है, देखो एयर का फोर्स महसूस होता है हमें, है ना। और ऑब्जेक्ट भी गिरता हो तो उसको भी, जैसे अगर तुम कोई पत्ता गिराओगे या कोई कागज़ गिराओगे तो ऐसे ऐसे एयर रेजिस्टेंस है वो, तो हैवी ऑब्जेक्ट्स में भी लगता है, सब में लगता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 meters, through a vertical distance of 20 meters and attains a velocity of and attains a velocity of 10 meters per second,
attains a velocity of 10 meter per second. So how much work is done? How much work is done by the resistance? By the resistance of air on the object. By the resistance of air on the object. रेजिस्टेंस नहीं दिया तो सिचुएशन को सबसे पहले तो पढ़ते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, तो 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 meters, मतलब ये नीचे गिर रहा है. फॉल फ्रॉम रेस्ट मतलब शुरुआत में रेस्ट में था, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वर्टिकल मतलब ऐसे, कितना नीचे गिर रहा है, 20 meters, एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second, मतलब यहाँ पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी हो गई है 10 meter per second. सो हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट. जी की वैल्यू 10 meter per second square ले रही है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस. तो देखो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस रियल सिचुएशन में. एक तो ग्रेविटी वाला और एक रेजिस्टिव फोर्स, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, एफ आर लिख देते हैं उसे. ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर. अब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा है कि पहले तो कभी लगाए नहीं रेजिस्टेंस फोर्स ऐसे हवा में, तो वो सारे सिचुएशन ऐसे थे, वैक्यूम में होते थे, वो हवा होती ही नहीं थी, यहाँ पर हवा भी है. तो अब हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो अब कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं इस पर. एक एम जी कर रहा है जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम, कितना वर्क किया इसने, एम जी इंटू 20, एम जी इंटू 20, तो एम जी इंटू 20 कितना वर्क कर दिया, प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स एफ आर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम टेन स्क्वायर, तो हाफ एम टेन स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है, जीरो, हाफ एम जीरो स्क्वायर, तो जीरो. तो ये हो गया यहाँ से, एम की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10 और ये 200, 5 × 10 × 200 कितना होता है ये, 10,000, 10,000. अब ये कर लो यार, चलो करते हैं 15 × 20, 5 × 1,000. तो ये 1,000 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू ये, तो ये कितना हो गया, 100 × 250 × 5 = 250. तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज 1,000 − 250, मतलब −750 joules. ये आंसर आ गया. मैंने बताया था नहीं, अब बताओ तुम, याद दिलाओ क्या था. तुमने यही सवाल पूछा था कि नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, और मैंने कुछ बताया था उस टाइम. हाँ सर, तो देखो एयर फ्रिक्शन वाला फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर साइड, और ये जा किधर रहा है, नीचे साइड, तो नेगेटिव ही आना था. और अगर पॉजिटिव आ जाता फिर कुछ गड़बड़ हो जाती, मतलब अगर पॉजिटिव आ जाता. तो वर्क डन बाय नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव कब होगा, जो ऊपर जाएगा ना. तो कभी भी ये बेसिक चेक पॉइंट रखना हमेशा, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन नीचे जाने में तो पॉजिटिव होगा,
वर्क डन बाय ग्रेविटी। लेकिन ऊपर जाने में नेगेटिव होगा, इसको मतलब याद रखना, क्योंकि अगर कभी गलत लिख दो तो चेक पॉइंट मिल जाए। नेक्स्ट लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l and a variable force, and a variable force F is applied on it, variable force F is applied on it, which brings the string gradually at angle theta, which brings the string gradually at angle theta with the vertical, with the vertical, gradually at angle theta with the vertical, full stop. So find the work done by the force F, find the work done by the force F. तो देखो ये लटका हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, तो इसका मास m दिया हुआ है, इसका l दिया हुआ है, फिर फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट विच ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो एक F फोर्स लगाया गया रैंडम, वर्टिकल ये होता है, मतलब ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी लाइन, और हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी खड़ी लाइन। तो वर्टिकल के साथ मतलब कैसा फिगर बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा मतलब कौन सा मार्क करें थीटा, ये वाला, ठीक है। तो अब ये यहाँ पहुँच गया, ऐसे फोर्स F लगा के, ये वेरिएबल फोर्स है, इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कितना है कब क्या है, लेकिन बस उस पर पहुँचा दिया उसने, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F, F की वजह से वर्क डन निकालना है इस फोर्स की वजह से। तो यूँ तो नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि फोर्स का कुछ पता ही नहीं है कि क्या वैल्यू है उसकी, क्या इक्वेशन है कि क्या है, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि ये समझ में आ रहा है हमें कि इस पर दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो टेंशन और एक तो F, दो ही नहीं तीन ही हो रहे हैं, एक mg भी, तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस पर, तो इन तीनों की वजह से जो वर्क है दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि सिस्टम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये तीन लोग वर्क कर रहे हैं इस पर, F, mg और ये L, तो ये टेंशन, इनमें कौन कौन से वर्क हैं, वर्क डन बाय टेंशन है, वर्क डन बाय mg है, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है ना, इन तीनों का सम, दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें किस पे अटैक करना है पहले तो याद करो, इसको फाइंड करना है हमें, दिस इज़ व्हाट, ये ही हमारा मकसद है। तो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ फाइनली भी रेस्ट पे है क्योंकि पहुँचा दिया उसने उसको रेस्ट के स्टेज पे, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। शुरुआत भी खींचा था तब लटका ही हुआ था शांति से, तो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी जीरो है। तो जीरो माइनस जीरो जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस जीरो। तो वर्क डन बाय एफ निकालने के लिए वर्क डन बाय एम जी निकालना पड़ेगा और वर्क डन बाय टेंशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बचपन में पढ़ा था हमने कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क क्या होता है, जीरो है ना, परपेंडिकुलर कॉस 90 डिग्री जीरो। तो यहाँ पे टेंशन पे फोकस करो, केवल टेंशन पे, टेंशन वाले पे। ये टेंशन वाला फोर्स है, इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में हो रहा है, मतलब टेंजेंशियली हो रहा है, मतलब कि टेंशन ऐसी है जब, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है टेंजेंशियली, जब इधर है टेंशन तब भी डिस्प्लेसमेंट ऐसा टेंजेंशियली। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो। तो ये वर्क डन बाय टेंशन हो गई जीरो। अब वर्क डन बाय एम जी क्या लिखना, कैसे लिखेंगे, तो देखो ये हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये फाइनल हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ग्रेविटी ने इसको कितने हॉरिजॉन्टल लेवल से उठा दिया, लेट से ये एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस एम जी एच। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है। अच्छा, एम जी एच क्यों होगा, क्योंकि लेवल ऊपर उठा है। इसमें एक बहुत बड़ा डाउट आ सकता है जो मैं बताऊंगा क्लास के अभी इस क्वेश्चन के बाद, कि एम जी एच बहुत ऑब्वियसली इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि मैंने कह दिया है ना शायद, एच क्यों लिया, ये वाला डिस्टेंस क्यों नहीं लिया। तो अगर नहीं इस पर दिमाग जा रहा है तो बिल्कुल मत जाने दो। इतना याद रखो कि हॉरिजॉन्टल लेवल जितना ऊपर उठता है उतना वर्क डन होता है ग्रेविटी की वजह से, एम जी एच लिख देते हैं, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो है, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या आ गया, एम जी एच। तो एच तो हमें मालूम नहीं है, एच ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। दिस इज एच, ये एच है, ये निकालना चाहते हैं हम। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक एच निकालना चाहते हैं, यहाँ तक पहुँच गया अपन। अब एच बस अल्टीमेट, अब आखिरी काम कर रहे हैं, मिशन अकम्प्लिश होने वाला है। तो ये एल है यहाँ पर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा एल कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, तो यहाँ से यहाँ तक एल है, तो एल कॉस थीटा माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा। एच इज वॉट, यही तो एच है, देखो यही एच है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, एल कॉमन लेके लिख दिया। एक बार फिर से क्या किया हमने सिचुएशन में, कि सिचुएशन ऐसी थी कि ये बॉल यहाँ से यहाँ खींच के रख दी, तो हमें बताना वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा जो हमने लगाया वहाँ पे। तो ऐसे तो कुछ फोर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना फोर्स इक्वेशन पता थी, ना मैग्नीट्यूड पता, कुछ नहीं पता था। तो अगर वर्क ऐसे लिखने जाते हम एफ डॉट डी एस तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो हमने कहा ठीक है, कुछ और आता है क्या हमें, तो हाँ हमें वर्क एनर्जी थ्योरम आता है जिसमें सारे वर्क का सम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो हमने उससे आसान चीज़ पकड़ ली, ये उससे आसान लग रहा तुम्हें, इंटीग्रेट इंटीग्रेट का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, बस प्रिसाइजली चीज़ें रखनी है, आंसर सही आ जाएगा। तो वर्क डन बाय टेंशन होगा इस सिचुएशन में, वर्क डन बाय एम जी होगा, वर्क डन बाय फोर्स होगा, क्योंकि उस पर तीन ही फोर्स लग रहे हैं, सभी फोर्स की वजह से वर्क होना चाहिए।
हमारी इक्वेशन में वर्क डन बाई टेंशन जीरो के। देखो अगले बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट से तो क्या होगा वर्क, वर्क विल बी एफ इंटू डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री यानी कि जीरो, मतलब वर्क डन जीरो होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस रस्सी का तुम पाथ सोचो कैसा हो रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन में जाएगा अगर ऐसा फेंकेंगे इसको, थोड़ा फेंकेंगे तो पार्ट ऑफ सर्कल में जाएगा। तो सर्कल में अगर तुम किसी भी टेंजेंशियल पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर आ रहा है टेंशन से, टेंशन तो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, तो उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तो इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जीरो। यस नॉर्मली दिमाग ऐसा प्रोसेस कर सकता है कि टेंशन लग रही है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड कॉस थीटा। तो इसमें क्या गड़बड़ है ऐसा सोचने में, क्योंकि भाई टेंशन चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे, हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदल रहा है टेंशन का, तो इसलिए वर्क डन बाय टेंशन इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि हर पॉइंट पे ही चेंज हो रहा है फोर्स का डायरेक्शन। तो उससे भी आसान है ना कि अगर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली परपेंडिकुलर है हमारे फोर्स से तो वर्क डन जीरो, जो टेंशन में मैक्सिमम केस में होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना। एक सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्ट कुछ इस पाथ से ग्राउंड तक पहुंच गया, दूसरी सिचुएशन में इस पाथ से पहुंचा, तीसरी सिचुएशन में एकदम ऐसे पहुंचा, और चौथी सिचुएशन में ऐसे ऐसे चल के पहुंचा। ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा हर केस में, सबसे ज़्यादा किस केस में होगा और सबसे कम किस केस में होगा। वन में, हाँ तो ये याद रखना हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल कितना ट्रैवल किया है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल इस वर्टिकल लेवल इसमें इतना ट्रैवल किया है, दूसरी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, तीसरी सिचुएशन में नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, चौथी सिचुएशन में नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ डिपेंडेंट नहीं, इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट है, मतलब केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इस वाले के लिए केवल इस पे फोकस करो, अभी सब कुछ दिमाग से निकाल के केवल इस वाले पे फोकस करो। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स तो हमेशा इस तरफ लग रहा है जो कि कॉन्स्टेंट है, तो वर्क निकालने के लिए इस फोर्स को मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है इधर। तो वर्क क्या लिखोगे यहाँ पे, ये वाला एंगल पता होना चाहिए, लेट्स से थीटा, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये एस कॉस थीटा क्या है, ये एस कॉस थीटा मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वाले डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट। इसके लिए जब निकालोगे, इसके लिए थीटा कुछ और है और ये फोर्स की वैल्यू कुछ, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ और है, लेकिन तब भी जब इसका प्रोजेक्शन लोगे इस एक्सिस पे तो वही यही आएगा। ये बात समझ में आ रही, तो बस इतना याद रखो हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस देखना है बस, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करते टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है हमें, इस वाले से हमें इससे मतलब है केवल, ठीक है। तो लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम जी एच। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है उसके हिसाब से। वहाँ पर ये एच क्या है, एच इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल्स, एच हाइट नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस है।
ऑफ द पोजिशंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल में डिफरेंस। तो मान लो ये कुछ ऐसा हिली सरफेस है और यहाँ पे मास एम जा रहा है एफ फोर्स से आगे बढ़ता हुआ, इसकी लेंथ एल है और हाइट एच है। तो लिखो अ बॉडी ऑफ मास एम वॉज स्लोली हॉल्ड अप, अ बॉडी of mass m was slowly hauled up the hill as shown in figure by a force f which at each point was directed along a tangent to the trajectory ट्रैजेक्टरी मतलब ये पाथ, दिस इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी सो फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h, if the height of the hill is h, the length of its base is l and the coefficient of friction is mu. तो एक बॉडी है जिसका मास एम है, वैसे हिल से ऊपर जा रही है, तो फाइनली वो सपोज़ यहाँ पर पहुँच गई टॉप पे, स्लोली लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या स्लोली लेके जा रहे हैं, मतलब हर मोमेंट वो रेस्ट पे ही है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बाय फोर्स विच एट ईच पॉइंट इज डायरेक्टेड along the tangent of the trajectory। तो ये फोर्स जो है ना, ये जैसे ही ऊपर बढ़ रहा है टेंजेंशियली शिफ्ट हो जा रहा है ये फोर्स, यहाँ पे पहुँच के इधर लग रहा होगा, यहाँ पहुँच के इधर लग रहा होगा, तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो फोर्स। तो ये एक वेरिएबल फोर्स है ना, कॉन्स्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर क्वान्टिटी है इसलिए वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। So find the work performed by this force if the height of the hill is h, the length of the base is l and coefficient of friction is mu। तो हमें बताना है work done by this force क्या होगा। तो अगर ऐसे करने जाएंगे f dot dx, तो ये तो variable force है, बाहर नहीं ले सकते इसको,
तो नहीं हो पाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, मतलब यहाँ के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से वर्क आएंगे सोचो। नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसके एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे तुम्हारे, नॉर्मल आएगा, एमजी आएगा, अप्लाइड फोर्स आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये। तो वर्क डन बाय नॉर्मल आ जाएगा, वर्क डन बाय एमजी आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आ जाएगा, और ये वाली चीज़ काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगी, जीरो माइनस जीरो, तो दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज ज़ीरो। अब देखो क्या क्या चीज़ों को अपन निपटा सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है ना, जब जहाँ जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल में एच का डिफरेंस है और ऊपर जा रहा है तो माइनस एम जी एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी एच। अब इतना हो गया, अब हमें निकालना क्या है, टारगेट क्या है हमारा, हमारा ये है टारगेट, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे चीज़ अटक रही है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकाले। यहाँ तक पहुँच गए, तो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपन को। और कुल मिला के इतना तुम्हें पक्का यकीन है ना कि एफ, वर्क डन बाय एफ इज इक्वल्स टू एम जी एच माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आंसर होने वाला है। सब कुछ पता है, बस ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन पता करना है। तो अब इस पे ध्यान दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें यहाँ पर। तो इमेजिन करो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हर मोमेंट पे ऐसे ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, तो अपन इतने से, और वो भी चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी हम एक वो निकाल लेते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें हम। तो इतना छोटे से को मैं जूम इन करके यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज डी एक्स, ये डी एक्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स है इस तरफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि घसट रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। क्यों, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, नॉर्मल थोड़ी जीरो होगा। एम जी तो तब होता जब ऐसे रखा होता, ये कि नहीं, टिल्टेड है, तो टिल्टेड है तो क्या होता है, ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करता है, तो एम जी कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया हमने म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखने जाएंगे छोटे से इतने से इंटरवल के लिए, तो डी डब्ल्यू कैसे लिखेंगे वो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ इंटू डी एक्स। तो ये डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ आ रही है, अभी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी करते तो ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो ए बी कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पे। अब ये डी एक्स क्या है,
dx cos theta क्या है, अब इस पिक्चर में विजुअलाइज करते हैं। तो dx cos theta मतलब कि ये वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, दिस इज dx cos theta। तो इतने से के लिए कितना आया है, ये आया, ये दिस इज dx cos theta। ऐसे अगले वाले के लिए कितना आएगा, ये सब सबका जोड़ देंगे तो क्या आएगा, L। तो ये इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको, तो F तो बाहर रख लो क्योंकि हमने डॉट वाला निकाल दिया, F एक वैल्यू है, तो म्यू एम जी एल ये आंसर हो जाएगा। म्यू एम जी क्या हो गया, म्यू एम जी फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, डी एक्स कॉस थीटा। देखो म्यू एम जी कॉस थीटा हमको यहाँ से मिला था, F ये देखो एम जी कॉस थीटा लिखना चाहिए था F की जगह यहाँ पे, उसका कॉस थीटा हमने इसमें चेप दिया, डी एक्स में जोड़ दिया, और वो जोड़ने से क्या हुआ, एम जी तो वही बचा, इनफैक्ट म्यू एम जी, म्यू भी रहेगा ये, ठीक है F। तो हमने क्या किया, उसका कॉस थीटा इसके साथ चेप दिया, तो डी एक्स कॉस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या बनेंगे इंटीग्रेट होके, एन मतलब कि ऐसा, ये चीज़ सारी कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर फेंक दी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला इंटीग्रेशन एल बनेगा। तो आंसर इज इसका म्यू एम जी एल। इसमें एक बार दिमाग लगाना अपने खाली टाइम में, और अगर समझ में आया तो अच्छा फील होगा, नहीं समझ में आया तो किस पॉइंट पर टकरा हुआ ये बताना। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी एच माइनस, अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ और भूल गया मैं, सिंपल सी चीज़ है, फ्रिक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, तो कायदे से ये वर्क डन नेगेटिव लिखना चाहिए था हमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू एम जी एल। तो अभी का होमवर्क है, इसको ख़त्म करो सीख के अभी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9। पुराना होमवर्क अगर कोई छूटा हुआ है उसको छूटा रहने दो, ये करो अभी 9.22 9.2।